नानी के जाना है, सुबह 5 बज रहे हैं अभी। और इसके स्नान हो चुके हैं भाई, कार्तिक मास के आए। ये देखो बेटो, नहा लिए और नहा के कंबल में ढक के सोई हुई है। इसको ना ठंड बहुत लगती है। बेटू अल्ले जगी पड़ी है, नानू गल सो जा, सो जा, ओढ़ के सो जा है, ऐसे ओढ़ के। ये अब आराम से ओढ़ के सोएगी। जगाए नहीं तो 2-3 घंटे अभी नहाने के बाद इसकी आदत है, सोती है, क्योंकि इसके पापा ऑफिस से आएंगे अभी तो एक बार जगेगी, और नहीं तो ये सोती रहती है। हमारा काम फ्री हो गया है, बस मेरा नहाना, इनका ऑफिस से आना रह गया। तनु भगवान जी नहा रही है, गोपाल देखो नहाने गया है वॉशरूम में, उसकी टॉवल तंगी हुई है। सबीना भी आ चुकी है, हम भरतपुर के लिए निकल चुके हैं। बताएंगे आपको वहाँ क्या फंक्शन है आज पहुँचने के बाद, और हो सका तो वीडियो में भी दिखाएंगे। और ये देखो बच्चे भी जा रहे हैं और बेबी डॉल भी जा रही है। देखो सुबह 5 बजे नाली थी ये, और गोपाल जी भी जा रहे हैं हमारे, देखिए, और ये गोपाल जी भी जा रहे हैं हमारे। देखो अभी बस निकली है 5 मिनट पहले, 1 घंटा लग जाता है पहुंचने में। आज हम पट्टी पहुंचने वाले हैं, तो हम आधे रास्ते पहुंच जाएंगे। आगे सामने देखा इसीलिए चालू कर रहा था। ये मनसा देवी माँ है यहाँ, तू बना ला तो हुआ था फोन। अरे ये आ गया है जाजम पट्टी चौराया, यहाँ पुल बन रहा है गोवर्धन के लिए, सीधा यहाँ से निकलेगा, पता नहीं कहाँ से निकलेगा। राजस्थान के बॉर्डर का गांव है रसूलपुर, इसके बाद राजस्थान लग जाएगा। ये देखो ये ट्रक कहाँ चढ़ा हुआ है, देखो ये देखो, हम राजस्थान में एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। ये इस पर लिखा हुआ है राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी वाले नहीं लिखते ऐसे, क्योंकि यूपी वालों को स्वागत के लिए है क्या है। राजस्थान का पहला गांव है, कस्बा है, गांव क्या है, ये है रार है। ये रार की रारी खड़ी है। सुबह सुबह चहल पहल रहती है काम करने वालों की भाई। हमें भी बहुत जल्दी निकलना पड़ा।
स्कूल सब जगह खुल चुके हैं, देखो ये बच्चे जा रहे हैं। हम देखो भरतपुर पहुंच चुके हैं, ये है भरतपुर का रेलवे स्टेशन। देखो ये है भरतपुर जंक्शन। अब भैया मैं अपना फोटो तो दिखा रही हूँ, मैं जैसे दिख रही हूँ तो वैसे दिख। ये देखो ये पहले सिनेमा हॉल था मुरली चित्रकूट। और ये देखो बजरिया है स्टेशन पे। हाईवे के साइड से नहीं आए हैं, टोल टैक्स की वजह से शहर के अंदर होके आए हैं। लंबाई की वजह से, लंबी दूरी की वजह से, और फिर दूरी भी ज़्यादा हो जाती है उधर, और फिर भी मतलब मैं टोल पर ट्रक खड़े रहते हैं, टाइम भी लगता है। या आपने पहुँच जाते हैं जल्दी, कम से कम आधे घंटे का फ़र्क रहता है, और हमको 8 बजे से पहले पहुँचना है, इसलिए हम अंदर होके जा रहे हैं। पहुंच जाएंगे जब उनका काम चालू होगा, उससे पहले हम 8 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ भुस्की मंडी लगती है इस जगह। ये देखो ये चौराया है, ऐसे बना हुआ है। देखो यहाँ देखो प्लांटर भी मिल रहे हैं। जब हम छोटे थे तो ये रास्ता इतना खाली सुनसान था कि कुछ पूछो मत। और अब देखो अब ये जगह भी बीच शहर में आ गई, जो इसके बाद तो कुछ था ही नहीं रोड के बाद, ना रोड के इधर था ना रोड के इधर था, खाली वैसे रोड थी। और अब देखो ये रोड बीच शहर में आ चुकी है, जितना शहर इधर है उतना ही उधर बस चुका है रोड के। अब ये देखो यहाँ से कुमेर गेट चालू है, कुमेर गेट बाजार। यहाँ पर ज़्यादातर लोहे वगैरह का काम होता है। और ये देखो ये आपको वीडियो में दिखे तो ये रेड रेड एक बाउंड्री आपको दिखेगी। देखो ये हम 8th तक पढ़े थे इस स्कूल में, और वहाँ से कुछ नहीं था, अब तो बाउंड्री है। और इधर रोड पे हम गाड़ियाँ गिनते थे बैठे बैठे, कुछ भी नहीं था, पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। स्कूल पके थे हम, पढ़ती है रौनक 10 बजे के बाद मार्केट में। अभी सब बंद है, सफाई अभियान चालू है। चलो आपको पूरा रास्ता दिखाया, भरतपुर घुमाया, मेन मेन जगह जो हमारे रास्ते में पड़ी। और अब ये आ गया नया बस स्टैंड अनाई गेट। ये देखो ये तो लिखी हुई है, इसी से हम राजस्थान वालों की बहादुरी के चर्चे होते हैं। ये देखो ये देखो खिजला बनने हैं, जूम ज्यादा में तो कराई नहीं है।
दूर तो बताइए वेलकम हो रहा है मामा आ चुके मामा मैं बड़े मामा ही ये हमारी बड़ी मामी खड़ी है नानी खड़ी है हाँ खूब ले रहे सब ले रहे हमारे 68,000 से ये दो लाख ये खरीद से कर ले आते हैं हम जीते मैं कहूँ हाँ बीचा बीच दे रही मम्मी देरी से आ रही है काम चल रहा है थोड़ा बड़ा बैठे यही मैं भैया से कह रही थी अभी ये मेरे बड़े मामा के बड़े बेटे हंसी नहीं रुक रही
सबके नाम लिए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। जान की सोना